नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी सुपरस्टार होते हैं वो आए दिन राजनीति में एंट्री मार लेते हैं, यानी कि राजनीति में ज्वाइन कर लेते हैं। और ऐसे कई सारे सुपरस्टार हैं जो उदाहरण के तौर पर पेश होते हैं, जिसमें प्रमुखता के साथ जो नाम लिया जाता है वो मनोज तिवारी का है। जी हाँ, बात करें तो मनोज तिवारी लगातार 2 बार से दिल्ली के सांसद हैं, यानी कि 10 साल से वो तकरीबन राजनीति में एक जीते हुए प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर एंट्री होता है रवि किशन का। रवि किशन भी गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं, सीएम एवं आजमगढ़ से चुनाव जीत जाते हैं, फिर निरहुआ चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, लेकिन उपचुनाव जब आजमगढ़ में होता है तो निरहुआ भी सांसद बन जाते हैं। और ये तीनों भोजपुरी से उभर कर सामने आए हैं और आज जो है देश के सबसे बड़े मंदिर यानी कि पार्लियामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस कड़ी में अब 2024 आने वाला है और 2024 में भी भोजपुरी कलाकारों में कई सारे कलाकारों का नाम आ रहा है जो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें प्रमुखता के साथ अगर नाम किसी का लिया जा रहा है तो वो हैं पवन सिंह। तो वहीं गुंजन सिंह को भी लेकर लगातार बातें चल रही है। तो अब भोजपुरी या शेरनी के तौर पर जाने जाने वाली अक्षरा सिंह की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, बात करें तो अक्षरा सिंह के एंट्री होते ही अब कई तरीके के सवाल आने लगे हैं। और सवाल ये भी है कि क्या पवन सिंह के खिलाफ अक्षरा सिंह चुनावी मैदान में उतरेगी, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा सीट पर अपना दावेदारी अक्षरा सिंह पेश करेगी। और ये सवाल इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अक्षरा सिंह और पवन सिंह को लेकर जिस तरीके की विवादित चीजें, कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आती है, उसको लेकर जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये एक दूसरे के आमने सामने जो है वो आरा सीट पर हो जाए। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई भी रियलिटी, कोई भी स्पेशल जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अक्षरा सिंह की एंट्री राजनीति में हो चुकी है। और जन स्वराज पार्टी जो कि पीके प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर जो हैं वो एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं और वो कई सारे पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, और वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उस पार्टी को एक ऐसे स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ाते हैं कि वो पार्टियां जो हैं उस राज्य में सरकार बना लेती है। और अब वो खुद राजनीति में ऐसी जन सुराज करके लगातार जिस तरीके से आंदोलन, जिस तरीके से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर अक्षरा सिंह ने उनका दामन थामा है। अब देखना यही होगा कि भैया जब दामन थाम लिया है तो अक्षरा सिंह चुनाव लड़ती है, और चुनाव लड़ती है तो क्या पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी या फिर अक्षरा सिंह किसी और सीट से दावेदारी ठोकेगी। ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि अक्षरा सिंह को पवन सिंह के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, और अगर उतरते हैं तो क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।